एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है ठाणे जिले के कल्याण शहर से, जहां बीजेपी की एक महिला पदाधिकारी से सोशल मीडिया पर बदसुलूकी की गई है। वहीं बीजेपी की महिला नेता की शिकायत के बाद गाली देने और धमकी देने के मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सुशील पाटेकर के रूप में हुई है। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता और अन्य महिलाओं के बारे में भद्दे और अभद्र कमेंट किए थे। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर महिलाओं को परेशान किया था। बार बार के कमेंट से महिला घबरा गई, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तुरंत जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोलसेवाड़ी पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहना चाहोगे आपके ऊपर किसी ने टिप्पणी किया और धमकी वगैरह दिया? धमकी मुझे एक साल से आ रही है। राजकीय पक्षों में मैं 2009 से सक्रिय हूँ और अच्छे खासे सक्रिय हूँ। 2000 अभी एक साल पहले सुशील पटेकर नाम का व्यक्ति है, उसने मेरे साथ साथ मुझे जैसा अश्लील भाषा में बोला है। ऐसे कई लेडीज लोगों के ऊपर भी उसने बोला है और जेंट्स को भी बोला है कि बाबा देख लूँगा, वेट एंड वॉच। लेकिन हम लोग ने तभी एक लेटर दे के उसको बोला कि बाबा उसको समझ दो। वो समझ देने के बावजूद भी 3 दिन पहले उसने इतना गंदा टिप्पणी उसके फेसबुक वॉल पे मेरे नाम से डाला है और यह प्रकार कल FIR हुई तो भी वो नहीं डर रहा है। मैं नहीं डरता हूँ, जो उखाड़ना है वो उखाड़, ये कर वो करने के FIR करने के बावजूद भी अगर वो डाल रहा है तो इसका मतलब ये किसी से डरता नहीं है। तो दूसरी बात, अगर ये इस चीज़ से नहीं डर रहा है तो कल चल के हमको रास्ते में जा रही है मार भी देगा तो भी नहीं डरेगा, क्योंकि अगर इसको कुछ है ही नहीं। और मेरे साथ साथ में इसने कई महिलाओं को ऐसे मैसेजेस किए हैं और धमकी दी है। जिस तरह देखा जाए, एक तरफ सरकार ने लड़की बहन योजना ऐलान किया करने के लिए और उसकी तरफ से लड़के बहनों को भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं, इस बारे में हाँ मैं वही बोलना चाहूँगी कि मैं अपने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और मुख्यमंत्री शिंदे साहब से मैं विनती करूँगी कि बाबा ऐसे गाँव गुंडे जो सोशल मीडिया पर आज धमकी दे रहे हैं, अगर आज इसको अगर अरेस्ट नहीं हुआ या फिर इसकी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे 10 लोग उठेंगे, कल्याणपूर्व का माहौल और ख़राब होगा। रही दूसरी बात, अगर एक लेडीज़ के साथ में आज मेरे साथ में, आज समझो कि मैं सक्रिय होने के बावजूद भी आज मेरे साथ हुआ तो कल रास्ते में चलते हुए अपनी साधारण महिला रहेगी। लड़की बहन योजना, अगर लड़की बहन आपकी अगर सुरक्षित नहीं रहेगी और ये गांव वाली गुंडे अगर ऐसा सब करेंगे तो फिर किधर जाना चाहिए ना महिलाओं के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि एक्ट लाओ, एक गाँव वाली के गुंडे उनके ऊपर थरार बैठना चाहिए कि किसी भी महिला पर्सनल हो कुछ भी हो कि वो बोलना नहीं चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मामले में पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है? पुलिस ने मामला दर्ज तो किया है, FIR की है, हम लोग का सब कुछ हो गया, लेकिन कल उसको उठाया नहीं गया था और हमको लगा, हमको बोला गया था कि आज उसको उठाएंगे या फिर सोमवार को उठाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कल रात को हम लोग घर पे चले गए कि चलो ठीक है, लेकिन रात को 11 बजे उसने वापस से उसके सोशल मीडिया वॉल पे पोस्ट डाली है। इसका मतलब उसको किसी का डर नहीं है, डर नहीं है तो ठीक है ना, तो तेरे घर पे रखना, महिलाओं के साथ में दूसरी महिलाओं को बदनाम करने का तेरा राइट्स क्या है वो मुझे एक बता, दूसरे महिलाओं के बदल तेरा राइट्स क्या है?